ये सब क्या है? क्या हुआ? भेंट पसंद नहीं आई का? हम बोले थे ना बलदेव, यही फाइल से हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। एक बात कान खोल करके सुन लो बलदेव, अब तुम्हारी हर एक सांस पर हमारा इख्तियार है। काहे कि अब उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय तुमको केवल हमारा ही काम करना पड़ेगा। काहे कि अब तुम्हारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है। और हाँ, एक बात और बलदेव, अगर तुम्हारे मन में कभी हमारे साथ धोखा करने का ख्याल भी आया ना कि हमारे पीठ में एक छुरा घोप दोगे, तो एक बारी फोटो को जरूर देख लेना। अरे दीदी, ऐसा करने की तो मैं आपके साथ सपने में भी नहीं सोच सकता। ये आप क्या बोल रही हैं? अच्छा है, हम तो तुमको फाइल इसलिए दिखा दिए कि तुम्हारे मन में अंश मात्र भी ऐसा विचार आया तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो। बोलो बेटा। माधु भैया ने जो श्यामू का स्केच दिया था, श्यामू ने उस आदमी को ढूंढ निकाला। उसका नाम कमलेश है। वो आदमी को सबसे पहले हमरे पास ले गया। कहे कि माधो से पहले हमको जानना है कि वो आदमी का चाहता था और किसके इशारे पर ये सब किया और अभी कहाँ है। ठीक है दीदी, शाबाश मेरे बेटे, कुछ सीखो बलदेव इससे, हमारे लाडले बेटे से। अरे तुम तो पेशेवर हो फिर भी खबर नहीं ला पाए, कुछ जो काम नहीं किए, लेकिन हमारा बेटा बहुत बड़ा खबर लेके आया है। आज तुम हमको खुश कर दिए, अब तुम दोनों जाओ और आदमी को किसी भी हाल में हमारे सामने लेके आओ। हम भी तो देखें कि हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है और क्या नाम है उसका। तब तक ये फाइल अच्छे से संभाल के रखेंगे। अम्मा, और जल्दी उस दुश्मन को लेकर आते हैं और आपके सामने लाकर खड़ा करते हैं। चलिए बलदेव जी। चलो बाबू रुद्र। हमरे अनजान दुश्मन, अब तुम देखना कि हम तुम्हारा हाल का करते हैं। हाँ बे, केकरा कहे पे तू हमरा बहिन चंदा पे हमला किया था? बताओ। तुम जितना मुझे मार जाते मार लो, लेकिन लेकिन हमसे हमारा मुंह नहीं खुलवा सकते। नहीं, बोल। नहीं। भैया जी, यह है आपका मुजरिम। मन तो कर रहा है ससुर का जान ले ले। श्यामू, कानून को हाथ में मत लो, हम देखते हैं। कहा बाबू, उस दिन तो तुम हमारे चंगुल से निकल के भाग गए, आप कैसे भागोगे? सच सच बताओ, किसके कहने पे तुम हमारी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला किए थे? देखो, सच सच बताओगे तो हम कानून से सिफारिश करके तुम्हारी सजा कम करवा देंगे, ये हमारा वादा है। बोलो, किसके लिए काम करते हो? बताओ। हम अपराधियों का एक उसूल होता है, हम लोग नाम नहीं बताते, संकेत बता देते हैं। ठीक है, हमें संकेत में ही बताओ कौन है वो जो ये सब करवा रहा है। हमसे हमला आपकी पत्नी को ही करवाया है जो तुम्हारी पहली पत्नी को मरवाया था। जल्दी बता, किसने अच्छी तरह को मरवाया था? क्या तूने अपने हाथों से हत्या की थी मेरी? चला गई हे माता रानी, एका भाई अचानक से हमारे मन का घबराता। माता बाबू ठीक ना होना? माता रानी, हमारे माता बाबू की ठीक रखिया।
माता रानी, पता न काहे अचानक से हमारे मन बहुत घबराता, हमारे दिल बहुत कचोटा था, हमारे माता बाबू ठीक था हो वरना हमने पूरे जग की रक्षा करी ली, हमारे माता बाबू की भी रक्षा करिए। अगर माता बाबू के कुछ भी हो जाए ना तो हम जीते जी मर जाए माता रानी, जीते जी मर जाए। माता बाबू हमारे जीवन के आस हो, बिना आस के हम जी के का करूं। आपसे विनती है माता रानी, माता बाबू जहां भी हुए आप उनका रक्षा करें, उनके सुरक्षित रखें। कहां भेल चंदा, काहे इतना परेशान हो? काजल दीदी, हमार मन बहुत घबराता, हम रखे ऐसा लगता कि माता बाबू को तुम मुसीबत में हवन, ये सोच सोच के हमार मन बहुत घबराता। तू ए तरह मत घबरा, माधव भैया के कुछ ना हुई, माता रानी पे भरोसा रखा, माधव भैया के हमेशा रक्षा करी हन। तू देख लो ना चंदा, माधव भैया के जीवन में कितना उतार चढ़ाव आयल, कौन कौन दुर्घटना भइल, लेकिन माता रानी माधव भैया के बचा लेलन। शुद्ध मन के आदमी के भगवानों रक्षा करेलन, और माधव भैया के मन तो बहुत साफ और पवित्र हा। तू घबरा मत, सब अच्छा होई। हाँ दीदी। शामू किसने गोली चलाई? कौन है वो आदमी? भैया जी, यहाँ से चलिए, यहाँ जान का खतरा है, चले। अरे बाबू, अरे किसके बोलने में तुम काम करते थे बाबू? अरे बताओ, बताओ किसने चित्रा को मरवाया था? अरे बोल भैया, वो मर गया। अरे नहीं, हम कर रहे हैं, हम मर गया, मर गया। अरे बता किसने चित्रा को मारा था? जान बच गई रुद्र? अरे कहाँ जान बच गया बगैर चाचा? आप जो किए ना बलदेव चाचा, बहुत ही गलत किए हैं, आपको नहीं करना चाहिए था। अगर अम्मा को पता चला ना तो बहुत ही गुस्सा होंगी आपके ऊपर, देख लीजिएगा। देखो जो मैं किया हूँ ना, बिल्कुल सही किया हूँ, देख लेना, दीदी को भी अच्छा लगेगा। अरे इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था, अगर ये नहीं करते तो हम सब फंस जाते, और वो तुम्हारा भाई। आपको लगता है ना कि आप जो किए हैं वो बहुत ही अच्छा किए हैं, आपको अपने गलती पे पूरा विश्वास है ना? तो चलिए अम्मा के रूम में, वहीं पे फैसला होगा। चलो दीदी।